स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर अब तक संशय बना हुआ था। क्या बीजेपी वसुंधरा राजे को फिर से सीएम फेस बनाएगी या किसी और चेहरे पर दांव खेला जाएगा, इन सब कयासों पर पीएम मोदी ने विराम लगा दिया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचे मोदी ने वसुंधरा राजे के सामने ही इस राज से पर्दा उठा दिया। आप खुद ही सुनिए। और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है, हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। इसी लक्ष्य के साथ हम सबको एक मुफ्त ताकत बनाकर निकलना है। जी हाँ, इस बार अपनी रणनीति से इत्र बीजेपी बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ेगी, इसका ऐलान पीएम मोदी ने वसुंधरा राजे के सामने ही कर दिया। जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बिना सीएम फेस के चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है, इस लिस्ट में राजस्थान से अब तस्वीर साफ हो चुकी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया। क्या कुछ कहा सुनिए। राजस्थान की जनता का संदेश कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंच चुका है। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आपने सुना होगा, इसका मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा न हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। और इसलिए गहलोत जी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बधाई दे दी है। आप देखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आजकल क्या बोल रहे हैं, वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए। ऐसा कह रहे हैं वो, उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए। तो पहले तो गहलोत जी, आपने पराजय स्वीकार कर लिया, हमारी सरकार बनेगी, ये बात को सार्वजनिक कह दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जब इतना ईमानदारी से कह दिया है तो मोदी तो आपसे अनेक गुना ईमानदार है। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। आपको बता दें कि राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सीएम पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। वसुंधरा चाहती थी कि चुनाव से पहले सीएम कैंडिडेट के तौर पर उनके नाम की घोषणा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पीएम मोदी ने बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यानी अगर बीजेपी जीतती है तो चुनाव के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर राजस्थान की कमान किसे सौंपी जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।